नमस्कार दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में गए थे। तब उनको राम भजन में तन्मय होते हुए हम सबने देखा। ये पंक्ति जो आप सुन रहे हैं वह है श्री राम विजय मंत्र। कहा जाता है कि इसका उपदेश स्वयं हनुमान जी ने श्री राम जी के भ्राता भरत जी के सामने पहली बार किया था, जब शक्ति बाण से घायल लक्ष्मण जी को बचाने हिमालय से द्रोणगिरी शिखर को लेकर हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत जी ने हनुमान जी को राक्षस समझकर तीर चलाया। हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े, लेकिन जब घायल हनुमान जी के मुख से राम नाम सुना तो भरत जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मैं वास्तव में श्री राम सेवक और पुण्यवान हूँ तो यह महात्मा जाग जाए। हनुमान जी उस समय घायल अवस्था में जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे वह यह मंत्र है, जिसका उपदेश जाग जाने पर हनुमान जी ने भरत जी को किया। इस मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी से उनके घाव भी तुरंत भर गए। इसी मंत्र का उपदेश महाराष्ट्र के समर्थ रामदास स्वामी जी को भी स्वयं हनुमान जी ने उनके सपने में आकर किया था, और इसका अनुष्ठान करते हुए नासिक में कालाराम मंदिर में समर्थ रामदास स्वामी जी को श्री राम जी के साक्षात दर्शन हुए थे, तथा यह मंत्र पूजनीय गोंदवलेकर महाराज से भी जुड़ा हुआ है। दिखने में सीधा साधा दिखने वाला यह मंत्र अदृश्य और अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसमें अक्षर हैं 13, आरंभ में ओम नहीं है, और अतः इसके उच्चारण के लिए किसी एक जगह की या किसी एक समय की पाबंदी भी नहीं होती है। किसी भी उम्र, जाति, धर्म या लिंग की व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकती है। 13 अक्षरों के इस मंत्र का 13 कोटि उच्चारण 100% साक्षात श्रीराम जी के दर्शन कराएगा, यह हनुमान जी का आश्वासन है और समर्थ रामदास स्वामी जी इसका उदाहरण है। यह पूरा मंत्र संस्कृत में है और संबोधन विभक्ति में होने के कारण इस तरह से अभिव्यक्त हुआ है कि हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं। इस कारण से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। किंतु प्रायः लोग इस मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं, जैसे कि श्री राम, जय जय राम। इस उच्चारण में 7 ही अक्षरों का उच्चारण होता है, या फिर श्री राम, जय जय राम। इस उच्चारण में केवल 10 ही अक्षरों का उच्चारण होता है। ध्यान रखें कि राम यह बीज है। प्रभु श्री राम का नाम श्री राम या राम है, श्री राम या राम नहीं है। इस मंत्र में एक भी बीज मंत्र नहीं है, जैसे कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम राम गम, इनमें से एक भी बीज इसमें नहीं है। अतः राम के अंतिम म अक्षर का पूर्ण उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि श्री राम जय जय राम। ऐसा 13 अक्षरों का पूर्ण उच्चारण करना आवश्यक है। इस अद्भुत मंत्र में जय शब्द 3 बार आता है और राम यह शब्द भी 3 बार आता है। इसके मुख्यतः 3 अर्थ हैं। राम यह शेषशायी आदि पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु का मूल नाम है। इन साक्षात धर्म स्वरूप राम का आधार है उनकी नागशैया, जो अनंत और शेष इन नागों का संयुक्त स्वरूप है। इन्हीं का एक नाम जय है, यही है यतो धर्मस्ततो जयः का लाक्षणिक अर्थ। इन श्री हरि विष्णु अर्थात मूल राम के 10 मुख्य अवतार अर्थात दशावतार है, यह हम सभी जानते हैं। उनमें जो भी मनुष्य रूपी अवतार हुए
उनका मूल नाम राम ही है। एक है वामन अर्थात बटुराम, एक भार्गव राम अर्थात परशुराम, एक दाशरथी राम, जिन्हें हम सभी श्री राम संबोधित करते हैं। एक है देवकी वसुदेव तथा यशोदा नंद के दुलारे राम, जो काले थे और अपने सौंदर्यमय तेज से सभी को अपनी ओर खींच लेते थे, इसलिए जिन्हें हम वासुदेव कृष्ण कहते हैं। किंतु इनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमारे लिए मुख्य और विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं। श्री राम अर्थात श्री के साथ राम अर्थात अपनी पत्नी, अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ विष्णु नारायण, अपनी शक्ति लक्ष्मी सहित विष्णु श्री राम और उनके अनंत शेषनाग अर्थात जय अर्थात श्री राम जय। अनंत शेष के नाग स्वरूप का नाम जय है, यह हमने पहले देखा है। अब शेष के अवतारों के लिए भी यह जय नाम है, यह समझकर हम आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दाशरथी राम और शेषावतार लक्ष्मण जय अर्थात राम जय। ध्यान से देखिए कि राम अवतार में राम अपने पिता दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात अग्रज थे, इसलिए राम और जय इन दो शब्दों में राम शब्द जय अर्थात लक्ष्मण से पहले आकर राम का अग्रज होना दर्शाता है, यह हुआ राम जय। इसमें जय अवतार बलराम के बाद जन्मे अर्थात शेषावतार बलराम के बाद जन्मे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण स्वरूप राम, इसलिए जय राम। इसलिए पूर्ण मंत्र हुआ श्री राम जय राम जय जय राम। जय यह भगवान श्री वेदव्यास की प्रथम रचना का भी नाम है। इसी जय को वैशंपायन सूत आदि ऋषियों ने महाभारत का स्वरूप दिया। इसी जय तथा महाभारत को आरंभ करने से पहले श्लोक आता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत। अर्थात सरस्वती देवी और व्यास नर नारायण को प्रणाम करें, फिर जय का पाठ आरंभ करें। इनमें नर नारायण व्यास इन तीनों को जय ग्रंथ से अभिन्न माना गया है और ये तीनों मूल पुरुष विष्णु अर्थात राम के तीन रूप माने गए हैं। सरस्वती शब्द वाचक है व्यास जी की बुद्धि रूप शक्ति का अर्थात श्री का, और इस श्री से संपन्न व्यास हुए श्री राम। यह श्री राम ही जय ग्रंथ का प्रथम आधार रचयिता है। इस तरह व्यास जी को प्रथम प्रणाम हुआ श्री राम जय अर्थात बुद्धि रूप श्री से युक्त मूल राम के व्यास स्वरूप ने निर्मित किया जय अर्थात महाभारत। नरोत्तम नर अर्थात मनुजों में श्रेष्ठ जय तथा महाभारत के अर्जुन, यह नर हैं जय महाभारत का दूसरा आधार जो भगवत गीता के सृजन का कारण बने। दूसरा नमस्कार इनको किया गया राम जय अर्थात मूल राम का यह नर अर्जुन स्वरूप जय का दूसरा अविभाज्य अंग है। नारायण शब्द वासुदेव कृष्ण को दर्शाता है जिनके बिना जय महाभारत अधूरा है। जय का सार है कृष्ण नारायण मूल राम, इस तरह से बनता है जय राम। इसलिए पूर्ण मंत्र हुआ श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर बुध कौशिक विरचित राम रक्षा स्तोत्र के अंत में कहते हैं, राम 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 इति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अन्वय है मनोरमे वरानने अर्थात देवी पार्वती, रमे रामे
राम 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 3 बार, इति तत् लगातार 3 बार लिया हुआ राम नाम, राम नाम सहस्र नाम तुल्यम भवति, अर्थात हे सुंदर मनोरमे देवी पार्वती, मैं राम में रमता हूँ, लगातार 3 बार तथा एक उच्चारण में 3 बार राम 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 आए तो विष्णु सहस्र नाम के तुल्य बनता है। 3 बार राम का उच्चारण कम समय में एक विष्णु सहस्र नाम के पाठ का फल देता है। ध्यानपूर्वक देखिए, इधर राम 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 इस तरह से 3 बार राम आया है। इस मंत्र में भी अर्थात श्री राम जय जय राम, इस मंत्र में भी राम 3 बार आया है। इस अनुषंग से अर्थ होता है राम का 3 बार जयकार, अर्थात श्री राम की जय हो, राम की जय हो, जय हो राम की। इस एक मंत्र का उच्चारण एक विष्णु सहस्र नाम का फल तो देगा ही, 3 बार जयकार करने से श्री राम भक्त महादेव शंकर की भी वंदना हो जाती है। अतः श्री राम जी के हर भक्त को यथासंभव श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।